आप लोगों में से बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि कश्मीर जाएं या फिर मनाली जाएं। 2020 के बाद काफ़ी टूरिस्ट कश्मीर जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगी मैं कश्मीर की, कश्मीर में अप्रैल में आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर अप्रैल में स्नोफॉल या फिर आपको स्नो देखने के लिए वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बताऊंगा आपको होटल और बजट के बारे में, आपको कश्मीर जाना चाहिए या फिर मनाली जाना चाहिए। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आधा मार्च खत्म होने का, लेकिन अभी भी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। मनाली की तरह कश्मीर में भी इस बार दिसंबर जनवरी में कोई स्नोफॉल देखने के नहीं मिला, फरवरी और मार्च में यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाहर जो स्नोफॉल हो रहा है, मार्च के 14 तारीख को ये स्नोफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए बात करता हूँ मैं अप्रैल की। काफ़ी सालों से इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर अप्रैल में जो कश्मीर का मौसम है वो जरूरी नहीं है कि इस बार वैसे ही रहे। अगर बात करूँ 2024 की, इस बार जो मौसम थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर दिसंबर या जनवरी में बारिश नहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट रहता है। तो अभी मार्च लगा है तो उसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है, स्नोफॉल जो अभी हो रहा है। अगर बात करूँ अप्रैल की, तो अप्रैल में अभी चांसेस है कि आपको यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिल सकती है। वैसे तो अप्रैल में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार जो मौसम लग रहा है कि अप्रैल में आपको ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिल सकती है। अगर बात करूँ मैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पर 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पर 12 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक देखने के लिए मिलेगा। अगर तो मौसम साफ रहता है फिर तो आपको दिन के टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आपको गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह शाम को तो वैसे भी ठंड होगी। अगर जो मौसम ख़राब होता है फिर तो और भी ज़्यादा ठंड आपको देखने की मिलेगी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अप्रैल में कश्मीर आने के बारे में सोच रहे हो तो आप जो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आएँ, क्योंकि सुबह शाम को आपको वैसे भी जरूरत पड़ेगी गर्म कपड़ों की। अगर बात करूँ मौसम ख़राब की, फिर तो आपको दिन में भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं बात करता हूँ स्नोफॉल के बारे में, आपको अप्रैल में कश्मीर में आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो अप्रैल में स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन जो इस बार जो मौसम थोड़ा सा चेंज होने वाला, जिसकी वजह से स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो स्नोफॉल होगा वो सिर्फ हाइट वाली जगह पे होगा, तो आप ज़्यादा उम्मीद लेके ना आए। कुशीनगर में तो आप उम्मीद छोड़िए कि वहाँ पर स्नोफॉल होगा। अगर बात करूँ मैं गुलमर्ग की, तो वहाँ पर चांसेस है आपको फेज़ टू में आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा बात करूँ मैं सोनमर्ग की, तो सोनमर्ग में आपको यूजी लपा साइड आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी चांसेस नहीं कि आपको वहाँ पर कहीं भी स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी बहुत कम लोग जो अप्रैल में स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं, मैक्सिमम लोग जो स्नो देखने के लिए जाते हैं। अगर आपको स्नो देखनी है फिर आपके पास कश्मीर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है स्नो देखने के लिए। कश्मीर में आप गुलमर्ग जा सकते हो, गुलमर्ग के फेज़ वन और फेज़ टू में आपको स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में आप वहाँ पर बहुत सारी स्नो एक्टिविटी कर सकते हो। इसके अलावा आप सोनमर्ग जा सकते हो, सोनमर्ग के जोजिला पास में भी आपको स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है जोजिला पास कब तक खुलेगा, उसके लिए मैं अलग से अपडेट लाता रहता हूँ। बाकी अगर बात करूँ मैं क्राउड की, तो 20 अप्रैल तक आपको ज़्यादा क्राउड देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत क्राउड वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो 20 अप्रैल तक आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा होटल में और टैक्सी में भी। और अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कश्मीर जाएँ या फिर मनाली जाएँ। मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि उनको वहाँ पर स्नो मिले, तो दोनों जगहों पे आपको स्नो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करूँ मैं मनाली की, तो अगर आप जो पहले मनाली आएँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो कश्मीर जाएँ, नहीं तो आप कोई भी जगह चूज़ कर सकते हो, दोनों ही जगहें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आज की इस वीडियो बस इतने का, पर कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी इंस्टाग्राम फॉलो करिए, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।